राणा शुगर्स में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट चल रही है। एक महीने से स्टॉक है ना कुछ यहाँ पर 15 से 18-20% करेक्ट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या इथेनॉल सब लोग बोल रहे हैं तो खाली ऐसे ही कह रहे हैं अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि अगर आपने राणा शुगर में इन्वेस्ट किया है या फिर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ना, तो वो इन्वेस्ट को हटा के आप ट्रेड कर लो, ठीक है? तो उसको इन्वेस्ट नहीं कहते, क्योंकि हमें ना यहाँ पर 2 से 3 साल का है ना व्यू देख के चल रहे। स्विंग ट्रेड कहते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड भी हम कह सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट 10 साल की होती है। और हमें पता है कि 2030 तक हमारे मोदी जी ने कहा है कि हमारे पास और कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रहेगी इंडिया में। 70% गाड़ियाँ है ना रोड पे जो चलेगी ना, वो ईवी हो जाएगी। और मुझे तो लगता है कि 70% जो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से कहा है ना, मैं तो पकड़ के चल रहा हूँ 90%, ठीक है? तो अगर आप 90% पकड़ के चल रहे हो, तो जो बची कुची गाड़ियाँ रहेगी ना, वो भी है ना 35 तक है ना निकल जाएगी। तो आप समझ सकते हो कितना कम मार्केट है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड और ब्रीफ में एनालिसिस करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपके आजू बाजू में या फिर आपने खुद ने, आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो क्या आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोचा? या फिर अगर आपके आजू बाजू में से किसी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है क्या अभी, या फिर कोई लेने का सोच रहा है क्या? ऑब्वियसली मुझे एक किसी हर एक बंदे का जवाब मिलेगा कि यस, मेरे पहचान में कोई एक बंदा है या फिर मैं खुद अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हो कि आसपास लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज जाग रहा है। अभी टाटा मोटर की न्यूज़ आई थी कि 500 किलोमीटर वो एक चार्ज में भागने लगेगी। टाटा पावर की न्यूज़ आई थी कि हर एक HP पावर सेक्टर पावर यहाँ पर जो रहता है अपना पेट्रोल पंप, उधर हमें हमारा है ना पावर जनरेशन जो पावर चार्जिंग है वो देखने मिलेगा। यहाँ पर डे बाय डे टाटा निक्सॉन की न्यूज़ आ रही है और ऐसी अलग अलग न्यूज़ आ रही है। आसाम में उन्होंने अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना चालू कर दी, तो इतनी न्यूज़ आ रही है। टेस्ला की न्यूज़ आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है ना, अभी ऊर्जा ग्लोबल की न्यूज़ आ गई। तो ये सारी न्यूज़ मैं आपको काउंट क्यों करवा रहा हूँ? मतलब हर एक बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ख्वाब देख रहा है, ख्वाब सजा रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, देखिए ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो किसकी डिमांड कम होगी? जनरल व्हीकल जो है ना उसकी डिमांड कम होगी। ये तो हर एक बंदे को पता है कि जनरल जो व्हीकल है उसकी डिमांड कम होगी। जनरल व्हीकल अगर कोई नहीं खरीदेगा, कोई गाड़ी पर नहीं चलाएगा, तो फिर क्या होगा? क्या उसके अंदर पेट्रोल लगेगा? नहीं, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो, पेट्रोल किस में लगता था? सिर्फ गाड़ियों में ही लगता था ना। जब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करने लगेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती मिलेगी, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिलेक्ट करेंगे, जनरल गाड़ी को नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह से जनरल गाड़ी कम दिखेगी, उसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट रहता है इकोनॉमिक्स में, जिसकी डिमांड कम उसकी प्राइस भी कम, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस भी ज़्यादा। अब जैसे कि पेट्रोल की डिमांड इतनी है, उसकी सप्लाई कम है, चलिए सप्लाई पे तो बाद में आ जाएंगे, पेट्रोल की डिमांड इतनी है इसीलिए तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में पेट्रोल यूज़ करने वाले लोग नहीं है क्या? है ना, तो उसी की वजह से तो प्राइस ज़्यादा है। अगर पेट्रोल ही कम हो जाएगा, पेट्रोल की जो डिमांड है लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, हमें पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो हम इथेनॉल क्यों यूज़ करेंगे? हम इसीलिए यूज़ करेंगे ताकि हमें सरकार ने कहा है। तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो पेट्रोल है ना हमें पानी के भाव पर मिलने लगेगा। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, सऊदी अरेबिया में आप जाओ, आप यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में चले जाओ, आपको पता चलेगा कि वहां पर है ना पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल आपको पानी से भी सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ये हाल होने वाला है, एक ना एक दिन आएगा जिसमें हमें ना पेट्रोल का भाव एकदम कम होता हुआ दिखेगा, और वो कम होता हुआ भाव के बाद है ना हमारे साथ यही होगा कि हम चाहेंगे कि हमारा जो सेक्टर है, हमारा जो ये सेक्टर है शुगर सेक्टर, इथेनॉल का प्रोडक्शन, पेट्रोल प्रोडक्शन, ये बढ़ जाए। लेकिन नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, है ना। अब लोग डिमांड कर रहे हैं तब इनका रिजल्ट ऐसा आ रहा है, तब आप सोच सकते हो कि इनका रिजल्ट कैसा
पैसा आएगा। मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने में अभी 10 साल है, लेकिन अभी जो हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास है ना 1.5 से 2 साल है, 1.5 से 1.2 ईयर्स है हमारे पास, इतने ईयर्स है जिसमें हमें ना इथेनॉल की प्रोडक्शन से पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इथेनॉल के जो खान में से पैसा डालेंगे और पैसा निकलेगा, लेकिन अगर हमने 10 साल के लिए इसको ऐसा छोड़ दिया तो इथेनॉल जीरो हो जाएगा। आपने जितनी प्राइस लगाई थी उससे भी कम आपको प्राइस मिलेगी, बिकॉज इथेनॉल की प्रोडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे लगा के छोड़ देता है, पर ट्रेडर वो होता है जो पैसे लगाता है और बार बार न्यूज़ पढ़ते रहता है, ताकि न्यूज़ पढ़ने के बाद उसे वहाँ पर एक मतलब चीज़ें पता चल जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई तो वो पैसा तुरंत निकाल देवे। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, आपको इस पर बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ब्राज़ील ने शुगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ब्राज़ील शुगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वो इथेनॉल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा क्या? उसको इथेनॉल लगता है शुगर बनाने में, तो वो इथेनॉल बढ़ाएगा, तो इथेनॉल बढ़ा के यहाँ पर एक्सपोर्ट भी तो करेगा ना, ज़्यादा बचेगा तो। और वो देखेगा कि इंडिया में यार यहाँ पर सरकार ने कहा है कि इतना इतना परसेंट है ना पेट्रोल के साथ इथेनॉल रहना चाहिए, तो वो इंडिया वो इतने ह्यूज मतलब कॉन्सेप्ट पर बनाएगा, तो फिर उसको सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो जाएगी तो हमारे कस्टमर थोड़ी ना किसी से लॉयल रहते हैं। हमेशा हमने यही सुना है कि कस्टमर कभी लॉयल नहीं रहता है, हमें कस्टमर को खींच के लाना पड़ता है, कस्टमर को जिधर प्राइस कम मिली वो उधर ही चले जाता है। तो फिर उसको एक बार प्राइस कम मिल जाएगी ब्राज़ीलियन चीज़ों से, तो क्या वो इंडियन चीज़ों पे आएगा? ये राणा शुगर इंडियन ही है ना, श्री रेणुका शुगर इंडियन ही है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है ना। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको डेली के न्यूज़ यहाँ पर कवर करनी है। मैं यहाँ पर स्टॉक के बारे में कुछ खराब नहीं कह रहा हूँ, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इन सारे स्टॉक्स में, बट मैंने आपको क्या कहा है कि यहाँ पर हमें है ना इन्वेस्टर के माइंडसेट से नहीं सोचना है। इन्वेस्टर क्या सोचता है कि हमें पैसा लगाना है और फिर बाद में उसको छोड़ देना है और वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट हमें इन्वेस्टर के माइंडसेट से नहीं सोचना है। हमें हर दिन क्या, हर हफ्ते भी नहीं तो हर दिन एटलीस्ट एक बार हमें न्यूज़ चेक करनी है, या फिर हमारा चैनल तो है ही, आपको यहाँ पर न्यूज़ मिल जाएगी 10 मिनट के वीडियो में, पूरे महीने का यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा, है ना। हम आगे जाके एक सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं जो पर डे में क्या हुआ, आपने अगर एक मॉर्निंग अपडेट देख लिया, वो मॉर्निंग अपडेट देखने के बाद आप पिछले दिन में जो भी हुआ और पिछले महीने में जो भी हुआ वो आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द न्यूज़। चलिए वो खैर तो बात की है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझा होगा, आपको समझा होगा कि मैं ये स्टॉक के प्रति नेगेटिव मोमेंटम आपको नहीं दे रहा हूँ, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ मैं, बल्कि खुद मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। बट मैं जो कह रहा हूँ ना वो एक बार आप सोच के देखिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्या ये वैलिड पॉइंट है। हर एक इंसान का अपना अपना नज़रिया रहता है, अपना अपना व्यू रहता है, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवनस व्यूज़। तो आपका जो भी व्यू है, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, आप कमेंट करो, मैं उसके रिलेटेड भी खुद को एनालाइज करूंगा। आपसे अगर मुझे कुछ सीखने मिलता है ना तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और मुझे फक्र की बात होगी कि मेरे सब्सक्राइबर में से किसी ने मुझे कुछ चीज़ बता दी एंड मेरी उसकी वजह से लाइफ ही चेंज हो गई। तो आपकी एक बात से मेरी लाइफ या फिर किसी और की कमेंट सेक्शन में किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो कभी भी हिचकिचाना मत के कमेंट करने के लिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा। चलिए ये बात तो हो गई, और फिर बाद में मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आने वाले हैं एक बार नज़र डाल लेते हैं। आपके सामने हम BSE के रिजल्ट के वेबसाइट पर है, पर हमें यहाँ पर राणा शुगर का है ना रिलेटेड कोई भी रिजल्ट डेट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हुआ कि इन्होंने अभी तक है ना अपना रिजल्ट शो नहीं किया है। बट अगर मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर है ना रेणुका शुगर ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर करके उन्होंने शो भी कर दिया, और उसकी वजह से उनके शुगर के इसमें ना यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट आई, और यही एक मतलब वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से राणा शुगर में भी ये हुआ है। तो अगर आपको जानना है कि राणा शुगर में डाउनवर्ड सर्किट आने का, लोअर सर्किट आने का ये कारण क्या है, क्योंकि तो ये नीचे ही जा रहा था लेकिन अभी अचानक से इतना बड़ा लोअर सर्किट क्यों लग गया, क्योंकि जो रेणुका शुगर है ना उसके रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए, जो मतलब प्रेडिक्ट किया था कि इथेनॉल की प्राइसेस की वजह से ऐसा होगा वैसा नहीं हुआ। तो आप एक बार वो रेणुका शुगर वाला वीडियो देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये गिरावट कब तक रहेगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर पॉप हो रहा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो बाद में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।